नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। थैंक यू सो मच, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा एक और ड्रीम पूरा हुआ है। मैं जब से इस यूट्यूब चैनल पे आई हूँ, मैं अपने सारे ड्रीम्स को पाइपलाइन कर करके कंप्लीट करती जा रही हूँ। पिछले 5 से 6 साल से मैं एक चीज़ को प्लान कर रही थी एंड वो कैसे करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ना मेरे पास कोई सपोर्टिव सिस्टम था, ना कोई टीम थी, और मैंने 2 साल पहले उस ड्रीम को पूरा करने के लिए 5-10 कुछ एक सर्टेन अमाउंट लगाया था और वो पूरा लॉस में गया था। सो मैंने कहा था जब तक मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं आ जाती, प्रॉपर अंदर का सिस्टम समझ नहीं आता, तब तक मैं इस चीज़ में नहीं जा पाऊँगी। फिर मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई, क्लाइंट कॉल्स हो गए, डाइट्स हो गई, पूरे दिन कॉल्स पे रहना, पूरे दिन मील का पिक्चर चेक करना, डाइट्स बनाना, वीडियो कंटेंट बनाना। सो उस चक्कर में मेरा ड्रीम बिल्कुल नीचे दबता चला गया। सो आफ्टर माय एंगेजमेंट मैंने ये चीज़ अपने वुडबी से डिस्कस की एंड हम दोनों ने मिलकर उस चीज़ को पूरा फुलफिल करा है। एंड ये रे बॉक्सेस, वो आ चुके हैं एंड पूरे घर में बॉक्सेस हैं। एंड इस संडे को मैं बताऊँगी वो क्या है। एंड मैं टचवुड बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स चीज़ें बहुत अच्छे से पाइपलाइन में हुई हैं। वो क्या है वो संडे को मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड इज लेट्स कम बैक टू द वीडियो टॉपिक। सो आज के वीडियो में हम बात करते हैं जूसेस की, विंटर्स के 3 ऐसे जूसेस। नाउ विंटर्स के अंदर इतनी सारी, जब हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं बहुत सारी सब्जियां हमें दिखती हैं, हमें आंवला दिखता है, साग दिखता है, चौलाई का साग दिखता है, पालक बहुत फ्रेश दिखती है, पुदीना बहुत फ्रेश दिखता है, धनिया दिखता है, हमारे स्प्रिंग अनियंस दिखते हैं, हमें कच्ची हेल्दी टर्मरिक रूट, जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हमें नहीं मिलती है। आंवले हमें मिलते हैं सर्दियों में, बहुत फ्रेश और मोटे आंवले हमें मिलते हैं। नाउ सबको एक दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, पतली कमर, अच्छे बाल, ग्लॉसी स्किन एंड हमारे जो एजिंग फैक्टर्स हैं ना, जिन जिन से हमें जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं स्किन की और ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं हम विंटर्स में अपने आप को कवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिन जिन लोगों का HB लेवल बहुत कम होता है, हीमोग्लोबिन लेवल, पूरा साल दवाइयाँ लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 10 से ऊपर नहीं जाता। ये 3 से 4 महीने ऐसे हैं जिसमें आप पूरे साल का HB लेवल कवर कर सकते हो वाया जूसेज ओनली। नाउ वाया जूस, हम पूरा फ्रूट क्यों नहीं खा सकते, हम पूरी सब्जियाँ क्यों नहीं खा सकते, हम सब्जियों को ऐड क्यों नहीं कर सकते? आप कितने आंवले खाओगे दिन के, आप कितने ज़्यादा कच्ची हेल्दी अपनी डाइट में ऐड करोगे? बेशक से आप सब्जी में ऐड कर लो और कच्ची हेल्दी का अचार डाल लो, बट आपको एक सर्टेन अमाउंट में कच्ची हेल्दी कंज्यूम करनी ही चाहिए। टर्मरिक रूट की मैं बात कर रही हूँ, जिंजर को आपको कंज्यूम करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास चुकंदर है, हमारे पास आंवले हैं, साग है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, इन सबको हमें अपनी डाइट में ऐड करना ही करना है। बट किस तरीके, किस फॉर्म में हम ऐड करेंगे, डेली बेसिस पे भी अगर आप इसको रॉ खाएंगे या सब्जियां बना के खाएंगे या डेली बेसिस पे आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, तब भी वो जो क्वांटिटी है जो जूस पूरा करेगा वो सब्जी पूरी नहीं करेगी। सो विंटर्स के 3 ऐसे स्पेशल जूस जो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फाइट करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कोलेजन पाउडर लेते रहते हैं, बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर्स लेते रहते हैं, बहुत सारे लोग Omega-3 लेते रहते हैं, आयरन की पिल्स लेते हैं, Vitamin D3 की पिल्स लेते हैं, हेयर लॉस के पिल लेते हैं, और बट अगर आप सोचो कि आयुर्वेद ने और नेचर ने हमें इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें दी हैं जिसकी हेल्प से सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, सबकी सब चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। सो विंटर्स के 3 जूस किस किस के लिए आज हम लेके आए हैं। नंबर 1, आपके बालों के इशू के लिए, जिन जिनका हेयर फॉल बहुत मैसिव है। दूसरा, जिनको कोल्ड का फ्लू और बीमार बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, विच मीन्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है। थर्डली, जिनके स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, जिनको पिगमेंटेशन, एक्ने, स्कार्स, एजिंग फैक्टर, रिंकल्स, बहुत ज़्यादा उनके झाइयाँ पड़ने चालू हो गई हैं एट दी एज ऑफ 35-36। नंबर 4, जिनका HB लेवल बहुत ज़्यादा कम है, हीमोग्लोबिन लेवल, और आयरन बहुत ज़्यादा डिफिशियंसीज हैं जिसकी वजह से वो डाइट नहीं कर पाते, वेट लॉस नहीं कर पाते। जैसे ही वो डाइट पे उतरते हैं उनको चक्कर आने लग जाता है और वो बिल्कुल फेंट से हो जाते हैं। नंबर 5, जिन जिनका BP बहुत ज़्यादा लो रहता है। नंबर 6, जिनका Vitamin D3 बिल्कुल कम है, लो मात्रा में, जिनका B12 बिल्कुल ज़्यादा लो है, वो B12 की पिल्स पे हैं। एंड नंबर 7, जिन जिनको वेट लॉस करना और अपने वेट लॉस को पुश करना है। एंड नंबर 8, जिनको ग्लॉसी एंड शाइनी एंड क्लीन एंड क्लियर स्किन चाहिए। सो आज की वीडियो में हम इन सारे एजिंग फैक्टर्स पे, इन सारे फैक्टर्स के लिए जूसेस लेके आए हैं। 3 जूस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एक है मेरा रेड जूस, एक है मेरा येलो जूस, एक है मेरा ग्रीन जूस। इन तीनों जूसेस में से कोई भी एक जूस अगर आप वीकली एक जूस पिक कर लें बहुत ही बढ़िया, ऑल्टरनेट डे पे अपने जूसेस को चेंज करते रहें तो और बढ़िया, और डेली बेसिस पे अगर आप ये जूस अपनी डाइट में ऐड करते हैं, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, शाइनी एंड ग्लॉसी स्किन वाला बंदा कोई नहीं होगा।
ओके, मैं कोशिश करती हूँ मैं एवरी ऑल्टरनेट डे या वीक में कम से कम 4 बार जूसेस लूँ, कभी येलो जूस, कभी ऑरेंज जूस, कभी रेड जूस। सो ये जूसेस बनाने कैसे, इनकी रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जहाँ आप 3-4 हज़ार के मेकअप्स में इन्वेस्ट करते हो, एक छोटा सा लिपस्टिक ले आते हो, फाउंडेशन ले आते हो, या फिर आप कंसीलर का इतना सा डब्बा आपका 3-4 हज़ार का आ जाता है, वहीं पर आप एक कोल्ड प्रेस जूसर लेके आओ, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। वो आपके सारे कंसीलर, सारे आपके मेकअप और सारे आपके ब्लश का काम करेगा। सो चलते हैं किचन में और बनाते हैं मेरे 3 जूस। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले बना रहे हैं हमारा येलो जूस। नाउ येलो जूस के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी कच्ची हल्दी। सबसे पहले हमें चाहिए कच्ची हल्दी, टर्मरिक रूट, ये मैंने ली है इतनी सारी। अब जस्ट इमेजिन, हम इतनी सारी कच्ची हल्दी खा तो नहीं सकते ना। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है 2 आंवले, 2 संतरे और थोड़ा सा ऐश गार्ड, लाइक सफ़ेद पेठा मैंने छील के रखा है। और यहाँ पे है मेरा जूसर। सो ये रहा मेरा जूसर, वंडर शेफ का कोल्ड प्रेस, और अब हम बनाएंगे इससे जूस। एंड हियर वी गो, हमारा येलो जूस बिल्कुल रेडी है। एंड ये रहा हमारा येलो जूस। एंड हैप्पी मॉर्निंग। ओके, अब बारी है रेड जूस की। सबसे अच्छा जूस फॉर आपके बाल, सबसे अच्छी ये आपके बालों पे काम करता है। यहाँ पे मेरे पास है बीटरूट, 1 बीटरूट, 2 गाजरें, आंवला, 2-3 आंवला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब बनाते हैं हम जूस। एंड हियर वी गो, रेड जूस। यहाँ पे बना रहे हैं अब हम अपना ग्रीन जूस। नाउ ग्रीन जूस के लिए यहाँ पे बहुत सारी सर्दियों वाली चीज़ें मेरे पास। ये है सरसों का साग, मुट्ठी भर पालक, पत्ता देख रहे हो सर्दियों में पालक का बड़ा। और यहाँ पे मेरे पास है 2 करेले, 2 आंवले, मुट्ठी भर धनिया, मुट्ठी भर पुदीना। एंड अब हम इसका बनाते हैं ग्रीन जूस। वेलकम बैक जी। ये जो 3 जूसेस हैं, ट्रस्ट मी, ये आपके वेट लॉस को तो पुश करेंगे, आपकी कमर को बिल्कुल स्लीक करेंगे। क्योंकि इन जूसेस से आप यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से कान पकड़ो, आपकी बॉडी डिटॉक्स तो होती है, आपकी बॉडी क्लीन ज़रूर होती है। एंड आपको बहुत अच्छा, आपका जो स्टमक है वो आपको थैंक यू ज़रूर बोलता है, आपके इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टमक बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, आपकी बॉडी क्लीन फील करती है, बिल्कुल अंदर से प्योर फील करती है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।